हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने Vivo के मोबाइल में ब्लूटूथ कैसे अनेबल कर सकते हो, ब्लूटूथ चालू कैसे कर सकते हो, क्योंकि Vivo का मोबाइल थोड़ा अलग होता है बाकी मोबाइल से। तो कैसे चालू करते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर एक सबसे पहला सिंपल तरीका है और फिर दूसरा तरीका है थोड़ा अलग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हम कोई मोबाइल लेते हैं तो उसे ऊपर से नीचे करते हैं, यानी स्लाइड डाउन करते हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे आपको स्लाइड अप करना है नीचे वाली की तरह, नीचे की तरफ से। तो हम नीचे की तरफ से यहाँ पे स्लाइड अप करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन चालू हो जाएगा, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा। पर अगर आपका ऑप्शन यहाँ से नहीं आता है तो यहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन दिखाई दे जाएगा आपके वीवो के मोबाइल में। इसे ओपन कर लीजिए, ऊपर सेटिंग लिखा होगा। यहाँ पे आपको पांच ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे ब्लूटूथ भी लिखा होगा, ब्लूटूथ ओपन करिए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ब्लूटूथ, आप इसे चालू कर सकते हैं। चालू करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लूटूथ आ जाएगा, ये रहा मेरा अदर ब्लूटूथ डिवाइस। मैं इस पर टच करूँगा तो यहाँ से पेयरिंग होगा और वहाँ से मुझे ओके करने को कहेगा दूसरे मोबाइल में। तो हम देखते हैं ये ओके करने को कहता है नहीं, तो हम पेयर करते हैं यहाँ पे। तो पेयर करने के बाद ये दोनों कनेक्ट हो चुका है, पर देखो दिखाई दे रहा है पेयर डिवाइस। और ऐसा आप भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।